हेलो दोस्तों, एक्सेल की इस वीडियो में आज मैं आपको सम और ऑफसेट फॉर्मूले की हेल्प से स्टेबल में से अमित की फरवरी और मार्च मंथ की टोटल सेल निकालना सिखाऊंगा और साथ साथ यहां पर ध्रुव और गौरव की फरवरी मंथ की टोटल सेल निकालना सिखाऊंगा। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। दोस्तों आप देखोगे यहाँ पर जो मैंने टेबल ली हुई है, अब इस टेबल में से अमित की यानी जो अमित है उसने फरवरी और मार्च मंथ में टोटल कितनी सेल किया, यहाँ पर अमित की फरवरी और मार्च मंथ की टोटल सेल निकालेंगे और साथ साथ यहाँ पर ध्रुव और गौरव यानी जो ध्रुव और गौरव है उन्होंने फरवरी में टोटल कितनी सेल किया, तो इन दोनों का सेल का सम निकालना सिखाएंगे। तो इसके लिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले हम अमित की फरवरी और मार्च मंथ की सेल निकालेंगे, तो मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगा, देन उसके बाद में सम, देन उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद में यहाँ पर ऑफसेट वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, देन ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद रेफरेंस में यहाँ पर स्टेबल के फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा और F4 से इसको लॉक कर दूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद रोज। अब रोज में हम यहाँ पर रोज में देखेंगे कि अमित हमारा कौन सी रो पे है, तो 1 और 2, यहाँ पर अमित हमारा रो नंबर 2 पे है, लेकिन जो हमारे ऑफसेट फॉर्मूला है हमेशा हमारा 0 से काउंट करता है, यानी आप यहाँ पर रो और कॉलम कोई भी आप रो और कॉलम लेना चाहते हैं तो वो हमेशा 0 से काउंट करेगा। अमित जो है वो फर्स्ट रो पे है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद कॉलम। अब हमें यहाँ पर फरवरी और मार्च मंथ की सेल देखनी है, तो इसके लिए यहाँ पर देखेंगे वापस हम 0 से काउंट करेंगे, तो 0, 1 और 2, यानी जो फरवरी है वो सेकंड पे है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, देन उसके बाद में कॉमा, उसके बाद हाइट। अब हमें यहाँ पर हाइट देखनी है कि हमें यहाँ पर जो सेल है वो फरवरी और मार्च मंथ की देखनी है, विद वाइज निकालना है, तो इसके लिए यहाँ पर मैं हाइट को 1 लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया, देन उसके बाद कॉमा। अब यहाँ पर विद के लिए यहाँ पर हमारा फरवरी और मार्च अलग अलग कॉलम्स में, तो यहाँ पर मैं विद के लिए मैं 2 लिख दूंगा, क्योंकि हमारा फरवरी 1 हो गया और सेकंड मार्च हो गया, तो यहाँ पर 2 लिख दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, उसके बाद में एक बार और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा सेल का सम है यानी फरवरी और मार्च का जो सम है वो 852 आया। अब मैं यहाँ पर अमित के फरवरी और मार्च मंथ की टोटल सेल देखूंगा, तो मैंने यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आंसर देखो हमारा 852 आया और हमारा जो यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर वो भी 852 आया। तो इस तरह से हम अमित की फरवरी और मार्च मंथ की टोटल सेल निकाल सकते हैं। उसके बाद अब हमें यहाँ पर देखना है कि ध्रुव और गौरव की हमें फरवरी मंथ की टोटल सेल देखनी है, यानी फरवरी मंथ में ध्रुव और गौरव ने टोटल कितनी सेल की थी, तो इसको हम कैसे करेंगे आइए चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए मैं इक्वल टू लिखूंगा, उसके बाद में सम, देन ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद वापस ऑफसेट, ब्रैकेट स्टार्ट, उसके बाद रेफरेंस में वापस मैं फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करूंगा, उसको F4 से लॉक कर दूंगा, देन उसके बाद कॉमा, उसके बाद रोज। अब हम यहाँ पर रोज देखेंगे, तो हमें वापस 0 से काउंट करेंगे, तो इसके लिए मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो ध्रुव है वो 7 नंबर पे, तो मैं यहाँ पर रोज में 7 लिख दूंगा, देन उसके बाद में कॉलम। अब हमें यहाँ पर फरवरी मंथ की देखनी है, तो यहाँ पर मैं कॉलम्स काउंट करूंगा, तो 0, 1 और 2, यानी जो फरवरी है वो हमारा सेकंड नंबर पे है, तो उसके लिए यहाँ पर कॉलम नंबर 2 लिख दूंगा, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा हाइट। अब हमें जो ये सेल है वो ध्रुव और गौरव की निकालनी है, यानी वो अलग अलग रोज में है, तो इसके लिए हम यहाँ पर हाइट को देखेंगे, यानी हमारी जो हाइट रहेगी वो ध्रुव की 1 होगी और गौरव की 2 हो गई, तो अब यहाँ पर हम हाइट में 2 लिख देंगे, उसके बाद में कॉमा, उसके बाद विद। अब हमें यहाँ पर विद के अकॉर्डिंग तो हमें सम नहीं निकालना है, तो इसके लिए मैं यहाँ पर 1 ही लिख दूंगा, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एक बार और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो 1528 आ गया। अब मैं यहाँ पर ध्रुव और गौरव की फरवरी मंथ की टोटल सेल देखूंगा, तो यहाँ पर ध्रुव और गौरव हो गए और यहाँ पर फरवरी मंथ, तो यहाँ पर 879 और 649, मैं दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर नीचे देखूंगा, तो यहाँ पर 1528 आ गया और यहाँ पर भी 1528 आ रहा है। तो इस तरह से हम ध्रुव और गौरव की फरवरी मंथ की टोटल सेल भी निकाल सकते हैं। दोस्तों इस तरह हम सम और ऑफसेट फॉर्मूले की हेल्प से स्टेबल में से किन्हीं भी एम्प्लॉयज की मंथ वाइज भी टोटल सेल की सम निकाल सकते हैं और साथ साथ यहाँ पर मंथ के अकॉर्डिंग मल्टीपल एम्प्लॉयज की भी सेल का सम निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।